हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था, डिस्कस किया था ना। मेनली इसको जो है दो नाम से और बुलाया जाता है। वो दो नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, लेकिन मेनली हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बुलाते हैं। इसके सेंटेंस के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम ना। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप लिख रहे हैं, आई यू आर राइटिंग, छात्र लड़ रहे हैं, द स्टूडेंट आर फाइटिंग। सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, उसके साथ इज एम आर, फिर मेन वर्ब आपकी, उसके साथ आईएनजी और फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये इज एम आर क्या है? इज एम आर को हम टू बी वर्ब भी बोलते हैं ना, या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये टू बी वर्ब इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इज एम और आर ना, इज की अगर हम बात करें तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या है? जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। एम का यूज होगा, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और आर का यूज होगा आपका प्लूरल्स के साथ, जैसे यू, वी, दे। तो ये सिंपल सा यूज था इसका ना। इज एम आर कहाँ कहाँ होगा, अब आ जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सबसे पहला है आपका एफर्मेटिव या फिर नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर देख ले। तो इसमें सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे? इज। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्ले आपकी वर्ब हो गई मेन, और उसके साथ आई एन जी हमने जोड़ दिया, बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में भी सेम रहेगा, बस इसमें नोट जुड़ जाता है। सब्जेक्ट हो गया ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सेम है आपका, बस इसमें नोट लग जाता है नेगेटिव। अगला है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें आपके टू बी वर्ब्स पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। जैसे इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ना सेम सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो, मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, तब क्या करेंगे हम? जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे, वैसे ही इसके यहाँ पर भी दो तरीके हैं। एक तो आप टू बी वर्ब लिख दोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट ऐड कर दोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, नोट को ही जो है पहले ऐड कर दोगे टू बी वर्ब में। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ ना, मैं तो आई, तो आई आ जाएगा सबसे पहले आपके। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? एम यूज़ करते हैं। एम आई नॉट, नोट आ जाएगा गोइंग टू मार्केट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका, अब पहला तरीका था। एक दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो दूसरे तरीके में हम जो है नोट पहले जोड़ देंगे टू बी वर्ब में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एम एंड नाम का वर्ड है ये यूज़ नहीं होता है ना, इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? आर एंड ही यूज़ करते हैं। तो एम एंड नहीं यूज़ किया जाएगा, चाहे वो आई क्यों ना हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप जो है सेकेंड वे से कर रहे हो तो आर एंड लगेगा, आर एंड आई गोइंग टू मार्केट, तो ये करेक्ट होगा, ना कि एम एंड आई गोइंग टू मार्केट, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही है इज एम आर का यूज़ होगा, इसका नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया, और जो मेन रूल है ये याद रखना ना, आई मेंट और आर एंट वाला। इसकी एक्सरसाइज वर्कशीट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, उसको आपने कंप्लीट करना, और उसके आंसर्स भी आपको नीचे लिंक में ही मिल जाएंगे।